गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग का क्या हाल है? आपका स्वागत है ब्लॉग्स पर। तो अभी उठ रहे हैं 2:30 और मैं उठ चुका हूँ। तो आज कहीं मैं आपको पूरे दिन का ब्लॉग देने वाला हूँ, तो एंजॉय करना। गुड मॉर्निंग। डैड पर बात करती है मेरे पापा का, दिखाता हूँ आपको। आप स्कूल लोगे चाय के साथ? स्कूल है चाय लिखो जाता है ऐसे चल नीचे तर, नीचे तर, चल तो गाइस अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, क्योंकि मुझे एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी है। तो मिलता हूँ वीडियो अपलोड करने के बाद। तो ठीक है, तो बाहर सब्जी वाला आया, तो मैंने बोला कि प्याज ले ले, और मैं उस सब्जी वाले के पास जा रहा हूँ। तो प्याज कैसे दी भैया? प्याज 40 एक किलो कर दो। वो चरखा रोज ही ले रहा हूँ सब्जी। तो हमारा घर के आगे एक खेत है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये देखिए, इसे लेकर थोड़ी सी वहाँ घास की सफाई वफाई करनी है, तो चलता हूँ आपको लेकर। तो गाइस सारा काम कर लिया है, अब आ गई है नाश्ते की बारी। अब तो यार नाश्ता है, अब मैं किचन में पड़ा हूँ। तो घर में बड़े पहले चाय गर्म करते हैं, फिर क्या होता है। तो यार जी, ये पूरे वन डे का ब्लॉग है, पूरे दिन का ब्लॉग है। तो मुझे लग रहा है आप एंजॉय कर रहे होंगे इस ब्लॉग को। तो यार ऐसे ही ब्लॉग को देखते रहो, एंजॉय करो, आपके नए नए ब्लॉग लाता रहूँगा। आपके लिए पता ही है, आपका दोस्त हूँ यार मैं। तो पहले रास्ता रेडी कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी नहा रही है, इसलिए हमें खुद ही बनाना पड़ेगा।
तो गाइस नाश्ते का सीन ये होता है कि सुबह वाले बाबा ड्यूटी जाते हैं, फिर उनको नाश्ता देना पड़ता है, फिर हमारी बारी आती है, फिर अब फिर हमारे बाद मम्मी खाएंगे, इसलिए खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। आई मम्मी नहा रही हैं, ये छोटा भाई है पीछे। हेलो फ्रेंड्स। तो सभी सपोर्ट करते हैं घर से, इसलिए मैं आपके नए नए वीडियोस ब्लॉग्स एंड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो एंजॉय। तो गाइस हमारे वहाँ काम टू पार्ट्स में बटा हुआ होता है, एक भाई को और एक मुझे। तो दूध तो मैंने गर्म कर दिया और गिलास में रख भी दिया। अब नाश्ता देने का काम इसका है, अब ये प्लेट में नाश्ता रखेगा, फिर हम नाश्ता करेंगे। तो आने वाला है, बस यार नाश्ता करते हैं, अभी पूरे दिन का ब्लॉग है यार, पूरा इंजॉय करो दोस्तों। अभी तो सिर्फ नाश्ता हुआ है, सुबह का अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा पूरे दिन भर। तो आपको एंजॉय करना है यार, बिल्कुल सैड नहीं होना, तो लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हाँ तो गाइस इतना बात, तो ये अब नाश्ता लेके आ चुके हैं। ऐसे जब हम काम को पार्ट में मार देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर बोलते हैं कि नहीं तू ये कर वो कर। हमने भी ऐसा किया कि दूध मैंने गर्म किया और नाश्ता उसने लगाया, तो इसलिए ईजी हो जाता है थोड़ा। तो अब नाश्ते की ओर ध्यान देते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। बस डॉगी है, उसको भी नाश्ता देने जा रहा हूँ, तो ये रखा है उसका नाश्ता। तो चलते हैं ऊपर, ऊपर जाना पड़ेगा। और ये नाश्ते का ही वेट कर रहा था, देखिए ये कैसे कुछ जाना था। बारी आ चुकी है, अब यार टाइम हो गया है 1:30, घड़ी में टाइम दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, पर 1:30 बज चुके हैं और आधा दिन गुजर चुका है। अब हमें नहाने जाना हूँ, नहाने के बाद मिलते हैं और देख सकते हैं ड्रेस चेंज हो गई है और अब जा रहे हैं थोड़ा बाहर बैठे में बैठेंगे। मैं आपको पूरा, अगर ये वन डे का पूरा डेली ब्लॉग है तो मैं डेली ब्लॉग तो नहीं है खैर, पर ये आज का पूरा ब्लॉग है वन डे का, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि ये मेरा वो है, इसलिए ब्लॉग का मतलब ही क्या हुआ, इसलिए मैं आपको बताता रहूँगा हर चीज़। तो आपके मैं आपसे मैं कुछ चीज़ डिस्कस करना चाह रहा कि अगर आपने मेरा डॉग नहीं देखा तो आओ, पहली वीडियो, इससे पहली वाली वीडियो मेरे डॉग की है जो जर्मन शेफर्ड है क्रॉस पर, तो आप देख सकते हैं। और अभी मैंने वीडियो डाली है पास्ता वाली, हमने बहुत इन्जॉय किया था उसमें भी, आप वो भी देख सकते हैं। और आप काशीपुर में रहने वाले हैं तो आपको अगर काशीपुर मार्केट देखना है तो आप काशीपुर मार्केट का रिव्यू भी देख सकते हैं उसमें, ये सब मैंने ब्लॉग डाले हुए हैं। अगर आप किसी चीज़ का भी ब्लॉग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ का। हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, अरे हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, हो चुके हैं साढ़े के शाम के 5:30 और अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने वाला टाइम हो गया, हमने उधर चाय पी लिए, तो अब मैं कह रहा हूँ चाय पीने, चाय गर्म करने रखी थी पहले से ही, ओपन कर देते हैं इसको। तो अभी जो 5:30 में है शाम के, अभी तो बहुत सारा ब्लॉग बाकी है, तो ब्लॉग में है एंजॉय करना, लाइक ज़रूर करना। तो भाई सब रात हो चुकी है और रात में बज रहे हैं 7:30, तो अब घर में खाना वाना बन रहा है, तो अभी खाना वाना बनेगा दिखाता हूँ आपको। तो अभी खाना वाना बन रहा है, फिर ब्लॉग एंड किया जाएगा, तो चलते हैं किचन में।
तो अभी बन रहे हैं सब्जी मिल गई है। ये मेरी मम्मी है, हाय कर दो मम्मी। मम्मी है और इन्हें तो आप जानते होंगे, मेरा भाई है। खोला कढ़ाई के पास। तो मैं दोबारा आ गया हूँ किचन में, अभी खाना बन रहा है। जोर जोर से भूख लग रही है, कोफ्ते बन रहे हैं आज तो। अब कोफ्ते बन रहे हैं आज सर, आप भी ऐसी नई नई डिशें बनाइए। डिशेज बनाने का यही मौका है अपने परिवार के साथ रहने का, नहीं तो सब फिर जॉब में रहते हैं, कोई कहाँ रहता है। तो आजकल लोग घर पे हैं तो आजकल नई नई डिशेज बन रही है, यही मौका होता है सबके साथ रहने का। तो रहिए, पूरा एंजॉय कीजिए। ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि आपको बताया जाए कि पूरे घर में भी हम बोर नहीं हो सकते कभी भी। अपना घर है, इंजॉय करो, जो मर्जी वो करना है, और वो बाहर मत जाओ। प्लीज़ स्टे होम और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करते रहो यार, तुम्हारा बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, पर थोड़ा और सपोर्ट चाहिए भाई लोगों। और तुम्हारा भाई का चैनल है यार, तो जो मेरा छोटा भाई है वो भी अब किसी किसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलता रहेगा। तो रात को मैं आपसे टॉमी को मिलवाता हूँ दोबारा से। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर देख रहा है बेचारा। हेलो, तो आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ नजदीक से। तो ये रहा, हाय डोलू। तो ये ब्रदर है, इसको तो आप जानते ही होंगे, पहली वीडियो में आपने देखा होगा। हाय डोलू, डोलू डोलू तो देखो, डोलू 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 डोलू। इसको ऐसे ऐसे करने से मज़ा आता है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे। अच्छा, इसने थोड़ा खाया पिया है अभी, ठीक हो रहा है। यहाँ ऐसे ही देखता रहता है कि मम्मी सामने काम करती है किचन में, किचन विंडो, तो इसलिए ये यहाँ बैठता है कि मुझे कब मिलेगा, है ना। तो गाइस रात हो चुकी है, तो आप जैसे बताइए टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब खाना खाने का टाइम हो चुका है, और फिर ब्लॉग एंड करने का टाइम भी आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आऊँगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत की है, लाइक ज़रूर करना क्योंकि एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप जितने लाइक करोगे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो पूरे दिन का ब्लॉग किया है आपको कैसा लगा, पूरा वन डे का। और स्टे होम, प्लीज़ यूज़ मास्क एंड सैनिटाइजर। ओके, थैंक यू।